कल वाला क्वेश्चन निकालिए पार्टनरशिप का था, तो अगर देखो पार्टनर जिनका पर दे डिसाइड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर एंड टू एडजस्ट द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ दिस पर्पस द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 December 1997 वाज एज अंडर creditors 1000 bill payables 1000 capital A 1700 B 1200 आपकी asset side में cash 600 debtors 1500 stock 1400 furniture 400 machinery 1000 4900 के balance sheet है दोनों तरफ का total था इसमें जो adjustment किया गया है the following adjustment Where to be made before the admission? Number one, rupees 300 were to be provided for doubtful debts. B. Number two, furniture was valued at rupees 250. Number three, investment was rupees 400 not mentioned in the balance sheet. They are taken into consideration. Next, C. Brings rupees 1000. For capital and rupees 1000 for goodwill, which sum A and B withdraw in their due proportion, give journal entries and make necessary accounts. तो कल वाले सवाल में A और B दो बराबर के साझेदार थे, जबकि उनकी कैपिटल अलग-अलग अमाउंट की थी, क्योंकि एक की 1700 की थी, एक की 1200 की थी। आपने पहली एंट्री कर ली थी। जो जिसमें कि कैश के रूप में जो है गुडविल लाई गई थी और सी जो है कैपिटल लाया था तो एक एक हज़ार की 2000 रुपए की वो एंट्री कर ली गई दूसरी एंट्री उनके अमाउंट को ट्रांसफर किया गया किस अमाउंट को ए और बी में फिर इसमें कहा गया है कि ए और बी ने गुडविल के अमाउंट को विथड्रॉ कर लिया यानी निकाल लिया किस रेशियो में किया बराबर का रेशियो सबसे टॉप पे दिया हुआ है बराबर यानी 500 विथड्रॉ कर लिया गया इसके बाद 500 के बाद फिर जो आपकी रिवैल्यूएशन की बारी आती है जिसमें नुकसान हुआ है जिसमें प्रोविजन किया गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रुपीज 300 का किया गया है फर्नीचर 150 रुपए से घट गया क्वेश्चन में कहा गया है एक जो हमारी एसेट थी जो इन्वेस्टमेंट के नाम से था उसको इन्वेस्ट किया गया था उसको बैलेंस शीट में नहीं शो किया गया तो 400 रुपए उसको जब हम निकलाएंगे तो हमारा प्रॉफिट हो गया आपने बैलेंस शीट बनाई बैलेंस शीट सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया रिवैल्यूएशन में आपका कौन सा साइड ज्यादा था डेबिट साइड कितना था 450 एक तरफ का 400 वाला था 50 रुपए का नुकसान हो गया था जिसमें 50 रुपए को दो साझेदार जो पुराने वाले थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया यानी 25 रुपए तो ये सारी एंट्रियाँ हो गई कितनी एंट्री होगी 1 2 3 4 5 6 छः एंट्रियाँ हो गई थी छः एंट्रियाँ के बाद एक तो ये आया था कैश वाला कैश अकाउंट बनाने इसमें कैश जो है बैलेंस शीट में लगी हुई है हालांकि इसमें कहा गया नहीं गया क्वेश्चन में तो आप सबसे पहले कैश अकाउंट बना लीजिए कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश लगी हुई है फर्म में लगी हुई है बैलेंस शीट से पता लगेगा कितने की लगी हुई है ये आप देख कर बताइए बैलेंस शीट है आपके पास आए नहीं तो हम क्या करें बाकी से देखो जो बैलेंस शीट में 600 रुपये दिखाया गया है 600 दिखलाया गया है एक आपने और किया कैश अकाउंट यार थ्रू गुडविल थ्रू कैपिटल तो इसमें क्या लाया है नगद में 1000 रुपए कैपिटल लाया है गुडविल राइट ऑफ हो गई है तो हो गई है खाते में क्या उसे निकाली चक्कर होगी ना तो रिश्वत लाई जाएगी जो दिखलाई जाएगी वो तो क्या है तो कैपिटल थ्रू कैपिटल एक हजार 600 वाई बैलेंस सीडी
₹1000 की हमारी डेटर जो कि फर्स्ट में नजर आएगी और बैलेंस शीट आपकी बैलेंस शीट में लाएंगे वो ₹1000 समझ में आ गई। आप बनाइए बैलेंस शीट आपको सिंडिकेटर्स सिंडिकेटर्स कितने के हैं 1000 बिल्स पेबल कितने के हैं 1000 के कैपिटल अकाउंट ए की कितनी कैपिटल है जो बैलेंस शीट में दिखाई हुई है दिखाई दी है 1700 की 1700 1700 की दिखाई दी है जिसमें ₹25 का नुकसान हो गया यानी उसके कैपिटल से कटेगा ना माइनस 25 1675 क्योंकि रिवैल्यूएशन से नुकसान हो गया है नई बैलेंस शीट आप बना रहे हैं तो जो कैपिटल है पुराने लोगों की जितना जितना नुकसान हुआ उन्होंने बियर किया उतनी कैपिटल घट जाएगी अगर ये फायदा होता तो यहाँ उतनी कैपिटल बढ़ जाती तो पुरानी कैपिटल के लिए 1700 की थी तो नुकसान हुआ उसका कैपिटल में से ₹25 कट गए तो 1675 की कैपिटल ये आप नई बैलेंस शीट बना रहे हैं। 20 कैपिटल कितने है 1200 में 25 कम कर दीजिए 1175 और सी कितना लेके आ रहा है सी लेके आ रहा है ना अभी अभी आपने देखा 1000 बराबर कितना हुआ 5850 कैश अकाउंट आपने बनाया है 600 इनकी पुरानी लगी थी और 1000 नगद लाए हैं यही लाए ना 1000 टू बाय बैलेंस सीडी आपने लिखा था वही है यहाँ सन्ड्री डेटर्स डेटर्स कितने लगे हुए हैं 1500 के लेस प्रोविजन 300 का था कल आपने एंट्री की थी 1200 स्टॉक कितने का है 1400 फर्नीचर फर्नीचर कितने का है 400 मार्केट वैल्यू से जो घट गया था लेस डेप्रिसिएशन कितना घटा था 150 कम हुआ था सर 250 घटाया गया 150 बचा था इसकी मार्केट वैल्यू ₹250 रह गई समझ गए मार्केट वैल्यू ₹250 तक रह गई आपने इसलिए कितने नुकसान कितने का हुआ था समझ गया तो 250 जो दिया गया डायरेक्शन वही तो निकालेंगे ₹250 मार्केट वैल्यू रह गई यानी हमारे ₹250 का नुकसान हुआ था हाँ इतने का नुकसान इतना हुआ रह गई
बात समझ में आई? मशीनरी मशीनरी का कोई भी कंप नहीं रहा, इसलिए उसमें 1000 मिलियन का रहेंगे और एक इन्वेस्टमेंट के लिए कहा गया था। इन्वेस्टमेंट उन्होंने ए और बी ने किया हुआ था जो कि मेंशन नहीं था, टेक केयर इन टू कंसीडरेशन। ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितने का? 5850। 5850 ये है आपकी बैलेंस शीट। जोड़ लीजिए, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। जो ना समझ में आया किसी भी यहाँ नहीं समझ में आया।